हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे। मैं हूँ आपका दोस्त साजिद अलवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको फिर से कुर्ती कटिंग करना सिखाएंगे और हमारा जो साइज़ है हम आपको साइज़ बता देते हैं। हमारी जो कुर्ती की लंबाई होगी यहाँ पे 37 इंच है, 37 इंच है। हमारी जो ब्रेस्ट है वो 32 इंच है, 32 इंच है। इसका जो कमर का साइज़ है वो 29 इंच होगा, 29 इंच होगा। और हमारा जो हिप साइज़ है वो 34 इंच है, 34 इंच है। आसने की लंबाई इसमें यहाँ पर 16 इंच होगी, 16 इंच होगी। और आसने की जो गोलाई वो यहाँ पर 10.5, 10.5 इंच है। और यहाँ पर हमारे पल्ले की जो चौड़ाई होगी यहाँ पर 17 इंच होगी। और आगे गले का साइज़ यहाँ पर 6 इंच और पीछे गले का साइज़ यहाँ पर 5 इंच है। इससे पहले वीडियो में हमने आपको 30 इंच के ब्रेस्ट का, 30 इंच की छाती का कुर्ती कटिंग करना बताया था। तो अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाके हमारे चैनल पे उस वीडियो को भी देख लीजिए। तो चलिए अब हम आपको इसकी कटिंग करना बताते हैं। तो अगर आपका साइज़ इसी साइज़ के अकॉर्डिंग है तो आपको बिल्कुल सेम ऐसे ही कटिंग कर देनी है जैसे कटिंग हम करेंगे। और अगर आपका साइज़ थोड़ा छोटा और बड़ा है तो वो हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आपको किस अलग अलग साइज़ के हिसाब से कटिंग करना आपको सीखना है वो भी आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। हम आपके साइज़ के हिसाब से आपकी कुर्ती कटिंग करने की कोशिश करेंगे और आपको सिखाएंगे। तो चलिए अब हम आपको कटिंग करना बताएंगे। हमारी जो कुर्ती का जो कपड़ा है इसका जो साइज है यहाँ पर ये 2 मीटर है। तो चलिए पहले हम आपको इस 2 मीटर कपड़े में से अपनी कुर्ती के लिए कपड़े की कटिंग करना बताएं। कितना आपको कपड़ा निकालना चाहिए, कैसे निकालना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको ये हमारा 2 मीटर कपड़ा, इस कपड़े को आपको इसे खोल देना है। इस प्रकार से खोलेंगे और फिर हम इस कपड़े को ऐसे करके बिछा देंगे। देखिए ऐसे बिछा दिया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब आपको अपने फ्रंट और बैक के चौड़ाई के हिसाब से यहाँ से कपड़ा निकालना है और बाकी बराबर से आपकी स्लीव निकल जाएंगी और आपका बाकी कपड़ा बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब जैसे कि यहाँ पे हमारा जो ब्रेस्ट का साइज़ है वो थर्टी टू, यहाँ पर हमारा जो ब्रेस्ट का साइज़ है वो 32 इंच है, 32 इंच है। हम इसके हिसाब से कटिंग करेंगे। अब 32 इंच का जो आधा हिस्सा होता है वो होता है 16 इंच होता है, 16 इंच होता है। अगर आपको साइज़ का ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी आपका साइज़ है आप उसको यहाँ पे ऐसे टेप कैसे पकड़िए, फिर अपने इंच टेप को इस प्रकार से ये फोल्ड कर दीजिए। जो भी आपका आधा पार्ट आएगा वो आपका ब्रेस्ट होगा। तो यहाँ पर मैं इसको पहले तो अपने ब्रेस्ट का आधा हिस्सा यहाँ पर निशान लगाएंगे जो कि हमारा यहाँ पर 16 इंच है, 16 इंच है ब्रेस्ट का आधा भाग। अब इसमें आपको यहाँ पे तकरीबन 5 से 6 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है जो कि आपका मार्जिन लूजिंग वगैरह सब कुछ इसमें आएगा। ठीक है, हमेशा छाती का आधा हिस्सा फिर बराबर में 5 से 6 इंच कपड़ा आपको एक्स्ट्रा ले लेना है। अब जितना ये आपका पूरा पोर्शन आया है उतना ही कपड़ा आपको यहाँ पर भी लेना है ऐसे करके। अब यहाँ से इसको हम कटिंग कर देंगे। अब आपको अपने एक कपड़ा लेना है, ये आपकी कुर्ती का फ्रंट और बैक पार्ट है। पहले हम यहाँ पर अपने पूरे कपड़े को इस प्रकार से ये ऐसे फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर कपड़े को ऐसे करके मोड़ देना है। अब यहाँ पे हम अपने कपड़े को पूरे लंबाई में इस प्रकार से ये ऐसे फोल्ड करेंगे। ये देखिए, ये आपकी कुर्ती का ये फ्रंट पीस होगा, ये आपकी कुर्ती का बैक पार्ट होगा। हम यहाँ पर इसमें आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं बताएंगे, हम आपको डायरेक्टली कटिंग करना बताएंगे ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। और जिस तरीके से हम कटिंग करेंगे बिल्कुल सेम साइज़ में आपको कटिंग कर देना है और इससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो पहले हम यहाँ पर निशान लगाएंगे अपनी मेजरमेंट के हिसाब से, जैसे कि ऊपर की तरफ यहाँ पर हमारा शोल्डर होगा, शोल्डर के निशान लगाएंगे इस प्रकार, सीधा निशान लगाएंगे इस प्रकार से। अब आपको यहाँ पर निशान लगाना है अपने आर्म होल, छाती, कमर और लंबाई का। अब यहाँ पे निशान लगाने से सबसे पहले तो नॉर्मली तो यहाँ पे जो निशान होता है वो तो 7 इंच पे होता है, 7 इंच पे होता है। तो यहाँ पे आप ऐसे निशान लगा दीजिए, यहाँ पर आपका ब्रेस्ट और आपका आर्म होल आएगा, आर्म होल की लंबाई आएगी। लेकिन अगर आप आर्म होल को थोड़ा फिट पहनते हो तो यहाँ पर इसको 7 इंच के बजाय 1/4 इंच कम, 7.5 इंच पर भी ऐसे लगा सकते हो। ये नॉर्मली 7 इंच होता है और अगर आप आर्म होल को थोड़ा टाइट पहन, थोड़ा फिट पहनते हो तो उसको यहाँ पर आप 7.5 इंच कर दीजिए। इसके बाद बारी आती है आपकी कमर की। कमर का निशान नॉर्मली जो लगाया जाता है वो होता है 14.5 इंच पर, 14.5 इंच पर इस प्रकार से। और इसका जो नीचे आपका जो जहाँ पे आपका हिप आएगा, जहाँ पे आपके चाक भी ओपन होंगे, ये निशान हम लगाएंगे यहाँ पर 20.5 इंच पर, 20.5 इंच पर। इसके बाद अब आपको नीचे निशान लगाना है। नीचे हम निशान लगाएंगे अपनी लंबाई का निशान। हमारे यहाँ पे कुर्ती की जो लंबाई है वो 37 इंच है, 37 इंच है। 37 को हम यहाँ पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे
ये हमने आधा इंच एक्स्ट्रा इसलिए लिया है क्योंकि जब आप अपनी फ्रंट और बैक को बैक पार्ट को शोल्डर से अटैच करोगे तो आधा इंच कपड़ा आपका वहाँ चला जाएगा, तो हमने पहले से ही इसको आधा इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। अब यहाँ पे हम इसकी इन सभी मार्कों को सीधा करेंगे। इस प्रकार से अब आपको यहाँ पर निशान लगाना है अपने शोल्डर का निशान। नॉर्मली हमारा शोल्डर यहाँ पे जो होता है वो होता है 6.5 इंच होता है, 6.5 इंच होता है, लेकिन अगर आप शोल्डर को थोड़ा सा यहाँ पे छोटा पहनते हो तो उसको आप यहाँ पे 6.25 इंच या फिर 6 इंच भी कर सकते हो। हम यहाँ पर आज की इस वीडियो में इसका जो साइज़ है वो करेंगे 6.25 इंच करेंगे, 6.25 इंच। नीचे की तरफ हम हमेशा ऊपर से 1 इंच कम लेते हैं, तो यहाँ पे अगर हमारा साइज़ यहाँ पे 6.25 इंच है, 6.25 इंच है, तो यहाँ पे इसको साइज़ रखेंगे 5.25 इंच, 5.25 इंच ऊपर से 1 इंच कम। अब इसके बाद हमारा यहाँ पे जो ब्रेस्ट साइज़ होगा, हम यहाँ पर ब्रेस्ट का साइज़ का निशान लगाएंगे। छाती का जो नाप है हमारा यहाँ पे 32 इंच है, 32 इंच है, 32 का जो चौथाई भाग होता है वहाँ पर 8 इंच होता है, हम यहाँ पर 8 इंच पर ऐसे निशान लगा देंगे। अब यहाँ बारी आती है लूजिंग की। लूजिंग आपको इससे अलग आगे की तरफ लेनी है। तो अगर आप एक कपड़े कंफर्ट पहनते हो जबकि कपड़ा को बिल्कुल कंफर्ट रहे पहनने में, तो आप यहाँ पर निशान लगाइए ऐसे 1 इंच पर, या आपकी 1 इंच की लूजिंग है जो कि पूरी गोलाई में खुलकर यहाँ पर 4 इंच हो जाएगी। लेकिन अगर आप कपड़े को थोड़ा सा फिट पहनते हो तो उसको आप यहाँ पर 1 इंच ना करके इसको आप यहाँ पर 0.25 इंच कीजिए, जो कि पूरे राउंड में घूम के आपकी लंबाई 3 इंच हो जाएगी। तो अगर आप फिट पहनते हैं तो 0.25 इंच कीजिए, अगर आप थोड़ा सा कंफर्ट पहनते हैं तो उसको आप 1 इंच कीजिए। इस प्रकार से अब बारी आती है आपकी कमर के साइज़ की। हमारे यहाँ पे जो कमर का साइज़ है वो 29 इंच है। 29 का भी आपको यहाँ पे चौथाई भाग लेना है। अब चौथाई भाग लेने के लिए तो सिंपल तरीका ये है कि चौथाई भाग आपका होता है यहाँ पर 7.5 इंच होता है, 7.5 इंच होता है, 7.25 इंच होता है। लेकिन अगर आपको साइज़ में कन्फ्यूज़न होता है कि आपको मेजरमेंट समझ में नहीं आता, तो आप इंची टेप की मदद से भी निशान लगा सकते हैं। जैसे कि हमारा कमर का साइज़ यहाँ पर 29 इंच है, 29 इंच है, तो आप यहाँ पर 29 इंच पर 29 इंच पर अपने इंची टेप को इस प्रकार से रखिए। तो इसका आधा हिस्सा हुआ है यहाँ पर, ये 15.5 इंच हो गया, 15.5 इंच हो गया। अब आप इसको भी फोल्ड कर दीजिए। अब इसका जो आधा हिस्सा आएगा वो यहाँ पर 7.75 इंच आएगा, 7.25 इंच आएगा। ये देखिए 7.75 इंच आपका यहाँ पर ये साइज़ हो गया है जो निशान हमने यहाँ पर लगाया है, सेम आपको वैसे करना है। अब इसके बाद बारी आती है आपके हिप के साइज़ की। अब हिप का साइज़ यहाँ पर हमारा हिप बाद में, उससे पहले आपके यहाँ लूजिंग होगी। तो 7.75 इंच हमारा यहाँ पर हो गया है। अब कमर में भी आपको लूजिंग लेनी पड़ेगी। हम यहाँ पर लूजिंग लेंगे 0.5 इंच की। ऊपर हमने लूजिंग ली है 1 इंच की, यहाँ पे लूजिंग लेंगे 0.5 इंच की, इससे कपड़ा आपका कंफर्ट होता है। अब इसके बाद बारी आती है आपके हिप के साइज़ की। हमारा यहाँ पे जो हिप साइज़ है वो 34 इंच है, 34 इंच है, 34 इंच का जो चौथाई भाग होता है वो यहाँ पर 8.5 इंच होता है, 8.5 इंच होता है। लेकिन अगर आपको मेजरमेंट में दिक्कत है तो हम जैसे हमने आपको कमर में बताया इंच टेप फोल्ड करके, आप यहाँ पर इसको ऐसे फोल्ड कर सकते हैं। अब जितना आपने यहाँ पर अपना ये 8.5 इंच अपना हिप पे लिया है, सेम उतना ही निशान आपको अपने पल्लू में लगाना है, ताकि आपका जो पल्लू का साइज़ है बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल स्ट्रेट है, वो छोटा या बड़ा नहीं होगा, क्योंकि आजकल फैशन में यही है, आपका पल्लू बिल्कुल स्ट्रेट चलता है। तो यहाँ पर सेम निशान हम ऐसे करके ये लगा देंगे। अब इसके बाद इन सभी निशानों को आपको ऐसे करके सीधा कर देना है। ये हमारा ये आपका पल्लू, ये आपका हिप। इसके बाद में हम ऊपर आएंगे, यहाँ पे आपका ये आपका आर्म होल का निशान और शोल्डर निशान इसको हम बोलते हैं। यहाँ पे हमारा ये आपकी ब्रेस्ट और कमर, ये आपकी कमर और ये आपकी हिप, इस प्रकार से हो गए है। अब इसके बाद ऊपर की साइड आपको यहाँ पर 1/4 इंच का ऐसे करके एक गोलाई देनी है, ताकि आपका शोल्डर यहाँ पे एक अच्छे शेप में आए। फिर इसके बाद हम यहाँ पर निशान लगा देंगे अपनी आर्म होल का गोलाई का, इस प्रकार से हो गया है। अब यहाँ पे इसकी हम कटिंग करेंगे। पहले आपको अपने दोनों शोल्डर को कटिंग कर देना है, अपने फ्रंट और बैक को, ये बराबर इसको हमने कटिंग कर दिया है। अब इसके बाद आपको अपनी इस आर्म होल को कटिंग करना है। देखिए कटिंग कर दिए। अब इसके बाद में आपको बैक आर्म होल को कटिंग करना है। पहले हम यहाँ पर उसका जो गोलाई है, अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि गोलाई कितनी है, हमें नाप के बताओ, वैसे ज़रूरी नहीं होता, नहीं फिर भी हमको बता देते। इसके गोलाई का साइज़ यहाँ पे करीब करीब यहाँ पर ये 1/4 इंच से एक सूत ज़्यादा है, जैसे कि 1/4 इंच यहाँ पर होता है, इसमें 1 पॉइंट एक्स्ट्रा है यहाँ पर, इसको आप 1 इंच 3 पॉइंट बोल सकते हो। इस प्रकार से ये इसका साइज़ है।
अब पीछे की साइड में आपको यहाँ पर निशान लगाना है, आपको पीछे की तरफ यहाँ पर करीब करीब 1 इंच कपड़ा इस प्रकार से गोलाई में लेना है और ऊपर से और नीचे से बिल्कुल मिला कर लेंगे। अब इसकी हम कटिंग कर देते हैं, बराबर से भी निशान से 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है ऊपर से लेके नीचे नीचे तक। ये कटिंग किया, अब इसके बाद में जो आपकी लंबाई है, लंबाई से करीब करीब आपको 3 या 3.5 इंच ऐसे कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है। ये आपका ऐसे लंबाई में फोल्ड होने वाला कपड़ा है। अब इसके बाद में आपको एक निशान लगाना है आप पल्लू में, जहाँ पे आपका ये मार्क है यहाँ पे निशान लगा देंगे। एक कट यहाँ पे आपका हिप पे लगा देंगे, एक कट आपका यहाँ पे ब्रेस्ट पे लगा देंगे। तो यह आपकी कुर्ती कटिंग इस प्रकार से यहाँ पर ऐसे ये हो चुकी है। अब इसके बाद हम कटिंग करना बताएंगे आपको आस्तीन की, स्लीव्स की। तो स्लीव्स का जो साइज़ होगा, देखिए ये आपका पूरा कपड़ा इस प्रकार से बचा हुआ है, देखिए ये आपके 2 पीस है, तो यहाँ पे आपकी दोनों आस्तीन इस प्रकार से कटिंग हो जाएगी। देखिए अब इसको हम यहाँ पर इस प्रकार से ये ऐसे फोल्ड कर देंगे। ऐसे फोल्ड करने के बाद अब यहाँ पर निशान लगाएंगे अपनी लंबाई का और अपने आर्म होल का। सबसे पहले आपको एक निशान यहाँ पर लगाना है, फिर इसके बाद में एक निशान लगाएंगे यहाँ पर इसकी लंबाई का कि कितनी लंबाई हमारी। लंबाई यहाँ पर 16 इंच है, 16 इंच है। हम यहाँ पर इसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि जब आपकी आस्तीन आपकी कुर्ती में अटैच होती है तो 1/2 इंच आपका यहाँ पर जाता है, तो हमने पहले से उसको 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। अब आपको यहाँ पर इस मार्क को ऐसे करके ये सीधा कर देना है। ये मार्क सीधा करने के बाद अब आपको फिर से ऊपर आना है, यहाँ ऊपर की तरफ आपको आर्म होल की गोलाई के लिए, आर्म होल की शेप के लिए यहाँ पर 3 इंच पर ऐसे निशान लगाना है, और फिर हम यहाँ पर इसको ऐसे करके ये निशान लगा देंगे। अब यहाँ पे आपको आर्म होल की चौड़ाई और मोहरे की गोलाई का निशान लगाना है। हमारे यहाँ पर जो आर्म होल की चौड़ाई होगी, हमारा आर्म होल यहाँ पर 7 इंच है, 7 इंच है इस प्रकार से, और हमारे यहाँ पर जो मोहरी है वो 10.5 इंच है, 10.5 इंच है। 10.5 का यहाँ पर आधा हिस्सा होगा 5 इंच, 5 प्लस 5.25 इंच। अब यहाँ पे हम इस मार्क को ऐसे करके ये सीधा कर देंगे, और अब आपको यहाँ पे ऐसे भी करके ये गोलाई देनी है, और अब यहाँ पे इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमने कटिंग कर दी है। यहाँ पे हमने नीचे की तरफ जो आपका निशान है, निशान से हमने यहाँ पे करीब करीब 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है, तो अगर आपको अपनी आस्तीन में तुरपाई करनी है तो यहाँ पे इसको ऐसे कपड़ा एक्स्ट्रा रखिए, और ये आपकी तुरपाई इस प्रकार से ऐसे फोल्ड करके हो जाएगी। लेकिन अगर आपको यहाँ पर लगानी है पाइपिंग, आपको तुरपाई नहीं करनी, तो यहाँ पर आप इस निशान से 1/4 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेके ऐसे कटिंग कर दीजिए। अब आपके यहाँ पर पाइपिंग लग जाएगी मैचिंग की। अब इसके बाद में एक कट हम यहाँ पर इसमें ऐसे लगाएंगे, एक कट हम यहाँ पर इसमें ये ऐसे लगाएंगे। अब यहाँ पे इसको हम इस प्रकार से ये खोल देंगे। खोलने के बाद अब ये जो आपका निशान लगा हुआ है, यहाँ पे आपको ऐसे करके शेप देनी है, करीब करीब ये 1/2 इंच की ये शेप दी है, और अब इसके हम यहाँ पर ऐसे करके ये कटिंग कर देंगे। हमने कटिंग कर दी है। अब ये आपका ये आर्म होल हो गया है, ये आपका आगे का पार्ट, ये आपका पीछे का पार्ट, और ये हमारी ये हमारा बचा हुआ कपड़ा जो कि इसमें बच गया। इसमें आप अपनी नेक वगैरह बना सकते हैं, या फिर सलवार के अंदर बेल्ट भी लगा सकते हैं इस बचे हुए कपड़े का, या फिर कहीं और भी इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हमारी कुर्ती है जो कि इस प्रकार से है। हमने आज की इस वीडियो में आपको स्लीव्स की कुर्ती कटिंग करना बता दिया है, और हमने आपको इस साइज़ के अकॉर्डिंग ये कटिंग करना बताया है। तो अगर आपका साइज़ ये वाला है तो बिल्कुल सेम डिट्टो ऐसे कटिंग कर दीजिए। अब हम इसकी आने वाली वीडियो में आपको और बड़े साइज़ की कटिंग करना है बताएंगे एक के बाद एक। अब आपको कुछ दिन तक आपको हर एक साइज़ के अकॉर्डिंग कटिंग करना सिखाने वाले हैं, ताकि आपको कटिंग करने में कोई परेशानी ना हो। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपका कोई सवाल है तो भी आप इसे कमेंट करके ये पूछ सकते हैं, और आपको किस साइज़ के अकॉर्डिंग कटिंग की वीडियो चाहिए वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके साइज के हिसाब से आपको कटिंग करना बताएं। तो चलते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड टेक केयर। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।